नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रिया और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। चितबड़ा गांव पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट से संबंधित 3 साथी वाहन चोर, 5 चोरी की मोटरसाइकिल और 1 अवैध देसी तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार। खबर बलिया से। पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर के निर्देशन में अपराध व अपराधियों, वारंटियों, वाहन चोरों, लुटेरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी के सफल पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी सदर अशोक कुमार मिश्र के कुशल नेतृत्व में चितबड़ा गांव पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। हुआ है क्या है सर, क्या मामला? ये कल दिनांक 24/1/2023 को रात्रि लगभग 10:30 बजे मुखबिरी सूचना के आधार पर ये प्राप्त हुआ कि वाहन चोर आ रहे हैं। उन्हीं के सूचना के आधार पर SHO चितबड़ा गांव अपने हमराहियों के साथ और उनके साथ है सब इंस्पेक्टर चंद्रशेखर यादव भी थे, ये लोग रास्ते में नाकाबंदी कर लिए। उधर से 2 मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार आते हुए दिखाई दिए, जो बड़वलिया पड़ता है धर्मापुर के पास में, वहाँ पर रोके गए। उसमें 3 लोग मिले, एक जवाहर लाल गौड़ उर्फ लड्डू, दूसरे अजय साहनी और तीसरे मनोज राजभर। इन लोगों के निशानदेही पर 3 और अन्य मोटरसाइकिल बरामद की गई। उसके बाद इन लोगों से जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो इन लोगों ने अन्य मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में भी बताया और ये इन लोगों का सातिराना कार्य है चोरी के संबंध में, जो अपने यहाँ UP में चोरी करते हैं और बिहार में ले आ करके बेच देते हैं। जब इनकी तलाशी ली गई तो जवाहरलाल गौड़ जो हैं उनके पास से 1 अदद 315 बोर का तमंचा और 2 जो अन्य अजय साहनी और मनोज हैं उनके पास से 1-1 अदद चाकू बरामद भी हुआ है और 3 मोबाइल और 600 रुपये नकद पाए गए हैं। ये कहां कहां घटना कारित कर दें, इनका पुलिस इतिहास क्या है, कहां कहां वांछित है सर? ये बहुत काफ़ी इनका लंबा इतिहास है, जैसा कि हम प्रेस नोट में भी दिए हैं। ये जो जवाहरलाल गौड़ हैं इनके विरुद्ध अब तक कुल मुकदमे 16 पंजीकृत हैं, जिसमें गैंगस्टर तक इनके खिलाफ किया गया है और सभी मुकदमे अधिकांश आपके चोरी के ही हैं। और जो अजय साहनी हैं उनके विरुद्ध कुल 23 अभियोग पंजीकृत पाए गए हैं और मनोज के विरुद्ध 2 अभियोग पंजीकृत हैं। इन लोगों का क्या है मोटिव, क्या है मोटरसाइकिल चुराना तो या बेचकर अपना शौक का कमी पूरा करना या रोजगार ऐसे बना लिए हैं या कुछ? ये जो मेरे द्वारा पूछताछ किया गया, पूछताछ में यही पाया गया कि ये पैसे के लिए अपना लो धंधा करते हैं और सबका अपना अपना एक सिस्टम है कि अलग अलग काम करते हैं। एक सूचना देता है तो दूसरा मोटरसाइकिल करके कुछ सीमा कुछ दूर तक पार कराता है, उसके बाद दूसरा लेकर के उसका बेचने का कार्य करता है। ठीक। गिरफ्तार अपराधियों जवाहरलाल गौड़ उर्फ लड्डू पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद व अजय साहनी उर्फ जितेंद्र पुत्र राजन, दोनों निवासी नगपुरा थाना चितबड़ा गांव जनपद बलिया, और मनोज राजभर पुत्र परशुराम राजभर निवासी बनिया पार मंगरौली थाना रसड़ा जनपद बलिया के पास से 2 मोटरसाइकिल, 1 देसी कट्टा और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। बाद में उनकी निशानदेही पर 3 मोटरसाइकिल और बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों का स्थानीय थाना से वैधानिक कार्यवाही के बाद माननीय न्यायालय भेज दिया गया। धन्यवाद, आप देखते रहें भारत मीडिया। बलिया से भारत मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा की रिपोर्ट।